नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बेहद आसान और खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ। यदि आप न्यू लर्नर हैं, बिगनर्स हैं और एक आसान और सुंदर डिज़ाइन की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हों तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। डिज़ाइन पहली लाइन से ही स्टार्ट होगा और डिज़ाइन सामने की तरफ से स्टार्ट होगा। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से है, तो हम चार फंदे को सीधा बुन लेंगे। एक, दो, तीन और चार। चार फंदे को सीधा बुन लिया। अब पांचवें और छठे फंदे के हम ऐसे बीच में सिलाई डालेंगे। देखिए, ये हमने किसी फंदे में सिलाई नहीं डाला है, बल्कि दो फंदे के बीच में डाला है। देखिए, दो फंदे के बीच में हम ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और अब पांचवें फंदे को बैक लूप से हम सीधा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन और चौथे और पांचवें फंदे के ऐसे बीच में हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, इसे थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, फिर इस फंदे को जिसके बाद हमने लूप निकाला है इसे बैक साइड से सीधा बुनेंगे। अब फिर हम इन्हीं चार फंदों को दोहराएंगे, तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चौथे फंदे के चौथे और पांचवें फंदे के बीच में हम ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और फिर इस फंदे को हम ऐसे बैक लूप से सीधा बुनेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो ध्यान दीजिएगा, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब ये हमारा लूप है, तो लूप को और अगले फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन। फिर देखिए, अब हमारा ये लूप आ गया, तो लूप को और नेक्स्ट फंदे को दोनों को हम एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे। अब नेक्स्ट तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक, दो, तीन। चौथा फंदा हमारा ये लूप है और इस चौथे फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब लास्ट में तीन फंदे बचे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा ये दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहली लाइन में हमने चार फंदे सीधे बुने थे, फिर लूप लिया था। अब की तीन फंदा सीधा बुनेंगे, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदा सीधा, एक, दो, तीन फंदे हो गए। अब देखिए, जो हमने ये लूप लिया था इसके ऐसे बीच में हम ऐसे इन दो फंदों के बीच में हम ऐसे सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। लूप लिया, अब फिर इस फंदे को हम बैक साइड से सीधा बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन। फिर ये देखिए, हमारा लूप वाला फंदा आ गया, तो इसके और इन दोनों फंदों के बीच में हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इस फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। अब फिर नेक्स्ट तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन। नेक्स्ट लूप निकालेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे और फिर इस फंदे को हम बैक लूप से एक सीधा फंदा बना देंगे। लास्ट में दो फंदे बचे हैं, तो दोनों को सीधा बुनेंगे। इस तरह हमारा ये तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगले दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, ये हमारा लूप आ गया, तो लूप को और नेक्स्ट फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक। नेक्स्ट
तीन फंदे उल्टे, फिर लूप आ गया, तो लूप को और नेक्स्ट फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक, फिर नेक्स्ट तीन फंदे उल्टे, फिर देखिए लूप आ गया, तो लूप को और अगले फंदे को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक, लास्ट में दो फंदे बचे हैं तो इन दोनों को हम उल्टा बुनेंगे। डिज़ाइन बहुत ही आसान और बेहद खूबसूरत है और बिगनर्स स्पेशल है। अब देखिए, अब हम दो फंदों को सीधा बुनेंगे, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, तो ये हमारे दो फंदे हुए। अब देखिए ये लूप वाला फंदा, तो इसके और नेक्स्ट फंदे के हम बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इसको हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे, फिर नेक्स्ट तीन फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर देखिए इस तरह ये तिरछा चला जाएगा, डिज़ाइन तिरछा में जाएगा। देखिए लूप लिया, फिर इस फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे, नेक्स्ट तीन फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर देखिए हमारा डिज़ाइन वाला फंदा, तो इस डिज़ाइन फंदे के बाद हम ऐसे सिलाई डालेंगे, लूप निकालेंगे, फिर इस फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे, लास्ट में तीन फंदे बचे हैं तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। बैक साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर ये लूप और नेक्स्ट फंदा दोनों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक, फिर तीन फंदे उल्टे, लूप और नेक्स्ट फंदा दोनों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर लूप और नेक्स्ट फंदा दोनों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक, लास्ट फंदा उल्टा। इस तरह ये हमारा छः लाइन कंप्लीट होता है। सातवीं लाइन में हम देखिए पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अब लूप वाला फंदा है तो इन दोनों फंदों के बीच में सिलाई देंगे, लूप निकालेंगे और इस फंदे को बैक साइड से सीधा बुन लेंगे, फिर तीन फंदे सीधे। अब देखिए डिज़ाइन वाला फंदा आ गया, तो इस दोनों फंदों के बीच में हम ऐसे सिलाई डालेंगे, लूप निकालेंगे, फिर इस फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे, नेक्स्ट तीन फंदे सीधे। डिज़ाइन वाला फंदा, तो इन दोनों फंदों के बीच में हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इस फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे। अब लास्ट में चार फंदे बचे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब ये हमारे डिज़ाइन का आठवां लाइन है, तो हर लाइन में रॉन्ग साइड में एक एक फंदे बढ़ते जा रहे हैं और राइट साइड में एक एक फंदे घटते जा रहे हैं। पांच फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये लूप वाला फंदा, तो इसको और नेक्स्ट फंदे को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर लूप वाला फंदा और नेक्स्ट फंदा दोनों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक, फिर तीन फंदे उल्टे। अब देखिए लूप का फंदा, लूप और ये फंदा दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे, तो आठ लाइन ये हमारे, देखिए आठ लाइन में डिज़ाइन ऐसे तिरछा तिरछा ऐसे बनता चला जाएगा। तो चार फंदों का और आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। मूलतः ये डिज़ाइन दो ही लाइन का है और हर लाइन में डिज़ाइन एक फंदा आगे खिसक रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ये ऐसा। डिज़ाइन जितना आसान है उतना ही खूबसूरत। इसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे आप जेंट्स स्वेटर में डालिए, सुंदर लगेगा। इसे आप पुलोवर में डालिए, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, हैट में, किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।